गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। हमारा पेपर चल रहा था, नवम पेपर चल रहा था, लिंग, विद्यालय एवं समाज। लास्ट वीडियो में मैंने आपको लिंग की परिभाषाएं बताई थी, जो हमारे विभिन्न हमारे जब मनोवैज्ञानिक हुए उन्होंने इनकी क्या परिभाषाएं लिखी। साथ में मैंने लिंग के साथ आपको लैंगिकता का अर्थ भी बताया था कि लैंगिकता और लिंग में क्या अंतर है। थोड़ा सा मैंने उसके अर्थ के बारे में बताया था, अर्थ से ही मैंने दोनों का अंतर बताया था। लिंग होता है जब हम किसी व्यक्ति की पहचान और पहचान करते हैं कि वो पुरुष है, स्त्री है या उभयलिंग है। साथ में लैंगिकता का अर्थ बताया था मैंने कि जो मनुष्य में काम क्रोध ईर्ष्या का जो वास होता है, उनमें काम शब्द का जो अर्थ है वो हमारा लैंगिकता से जुड़ा हुआ है। जिससे हम कहें कि हमारा जो परिवार एक स्त्री और पुरुष की जो क्रियाएं होती हैं उसके आधार पर जब हम हमारे परिवार को आगे बढ़ाते हैं, समाज आगे बढ़ता है, वो एक हमारी उसकी लैंगिकता की क्रिया के द्वारा होता है। ये दोनों मैंने आपको अर्थ बताए हैं। साथ में मैंने लिंग के प्रकार बताए थे आपको कि लिंग को तीन भागों में इसका विभाजन किया, कौन कौन सा, पुरुष लिंग, स्त्री लिंग और उभयलिंग, जिसे हम थर्ड पर्सन बोलते हैं, थर्ड जेंडर बोलते हैं। साथ में बच्चों मैंने आपको लिंग की जो परिभाषा बताई जीव विज्ञान के आधार पर बताया था मैंने कि एक्स एक्स का जो मिलन होगा उससे क्या बनता है, एक्स एक्स की क्रिया से पुत्री की प्राप्ति होती है अर्थात स्त्रीलिंग की, और एक्स वाई से पुरुष की। इस आधार पर मैंने आपको दोनों परिभाषाएं आपको लिखवाई थी। आज हम पढ़ रहे हैं, हमने पढ़ा था कि लिंग के दो प्रकार है, पुरुष लिंग, स्त्रीलिंग और उभयलिंग। लेकिन जो सामान्य तौर पर हम देखते हैं तो दो आधार पर होते हैं, जेंडर दो होते हैं, कौन कौन से, पुरुष और स्त्रीलिंग। उनकी विशेषताएं यानी मुख्य रूप से जो दो है उनकी हम विशेषताएं बताएंगे जिसकी हमें प्रमुखता होती है। तो सर्वप्रथम जो आज मैं आपको विशेषता बताऊंगी वो है हमारे पुरुष लिंग की, यानी कि पुरुष लिंग में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है। मुख्य रूप से हम देखें कि जो लिंग की विशेषताएं होती है वो लिंग की भिन्नता पर निर्भर होती है। लिंग की भिन्नता पर उनकी विशेषताएं छुपी हुई रहती है। लिंग की विशेषताएं बहुत सी जो स्त्री पुरुष के व्यवहार, विचार एवं संस्कृति के अनुसार होती है। हम देखते हैं अगर स्त्री लिंग है तो उसमें उन्हीं गुणों का वास होता है, पुरुष लिंग है तो उसमें उनकी का। तो इसीलिए कहते हैं कि स्त्री पुरुष की जो लिंग की हम पहचान करते हैं वो उनके व्यवहार, उनके विचार और उनके संस्कृति के अनुसार करते हैं। जिस प्रकार समाज में उनका रहन सहन और उसी प्रकार उनकी विशेषताएं भी होती है। हम देखते हैं कि हमारी हर तरीके से पहनने से लेकर हर चीज में दोनों लिंग में भिन्नता पाई जाती है। तो वो रहन सहन भी हमें क्या करती है, हमारी पहचान करवाती है कि ये स्त्री लिंग है या पुरुष लिंग है। तो कहते हैं इस आधार पर भी स्त्री लिंग और पुरुष लिंग की पहचान होती है। इसलिए साथ में जो लिंग की जो मुख्य रूप से जो विशेषताएं हैं और भी जो मैं आपको यहाँ उनका वर्णन कर रही हूँ कि कौन कौन सी इनमें विशेषताएं पाई जाती हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं पुरुष लिंग की विशेषताएं। पुरुष लिंग में सबसे पहले है कि पुरुष जो होता है पुरुष में अमूर्त सोच की क्षमता होती है। सर्वप्रथम है पुरुष में अमूर्त रूप पहचान की क्षमता होती है। सर्वप्रथम इसकी जो विशेषता है वो है पुरुष में अमूर्त सोच या रूप, हम कुछ भी लिख सकते हैं, अमूर्त सोच की क्या होती है, उसके अंदर क्षमता होती है। इसे हम अमूर्त रूप भी बोल सकते हैं, अमूर्त सोच की क्षमता होती है, यानी कि
हम कई बार देखते हैं कि इसके अंदर हर किसी में एक विशेषताएं छुपी हुई होती है। तो पुरुष लिंग में होती है कि जो हमें कुछ दिखाई ना दे उसके बारे में सोचने की उनके अंदर क्षमता होती है। एवर कहते हैं कि स्त्री जो होती है वो भावुक होती है, ये हमने खुद जानते हैं कि स्त्री दया प्रेम और करुणा की, तो इसमें वो जो दिखता है उस पर ज्यादा विश्वास करते हैं। लेकिन जो पुरुष के अंदर एक क्षमता होती है वो है अमूर्त सोच की, कि जो वो बिना देखे भी हम किसी के बारे में अगर उन्हें बताते हैं तो उस रूप में वो उसकी पहचान करते हैं। तो सर्वप्रथम इसकी पहली विशेषता क्या है, अमूर्त सोच की क्षमता होती है पुरुष लिंग में। सेकंड जो है हमारा वो है, सेकंड में ये किसी भी कार्य के प्रति अधिकांश सक्रिय होते हैं, ये कार्य के प्रति अधिकांश सक्रिय की भूमिका निभाते हैं, सक्रिय की भूमिका, यानी कि ये ज्यादा से ज्यादा क्या होते हैं उसमें सक्रिय रहते हैं, कार्य करते हैं। कई बार हमने देखा है कि स्त्री चाहे डर के कारण हो या किसी के कारण हो, अपने अगर घर से बाहर की अगर कुछ जिम्मेदारी देती है तो वो अपनी वो भूमिका नहीं निभा पाती, चाहे वो परिवार के दबाव के कारण हो या स्वयं के डर के कारण हो। कहते ना परिवार में भी हमारी बहुत बाउंडेशन होती है, कई बार ऐसा होता है कि वो अपने पूर्ण रूप से उसमें सक्रियता नहीं निभा सकती। लेकिन जो पुरुष होते हैं वो अपने कार्य के प्रति पूर्ण रूप से सक्रिय रहते हैं, वो उस कार्य को पूरा करते हैं। ये पुरुष लिंग की सेकंड विशेषता है। थर्ड है, हमें पुरुषों में महत्वाकांक्षाएं क्या होती है, उनकी महत्वाकांक्षाओं की भावना होती है। पुरुषों में महत्वाकांक्षाओं की, यानी उनके अंदर उनकी महत्वाकांक्षा, उनकी इच्छाएं उनके अंदर ज्यादा होती है, महत्वाकांक्षाओं की भावना होती है, यानी कि वो अधिक से अधिक प्राप्त करने की सोचते हैं। स्त्री जहां कम में अपना संतुष्टि प्रदान करती है, लेकिन जो हमारे पुरुष होते हैं, पुरुष के लिए कहा जाता है उनकी महत्वाकांक्षाएं उनकी बहुत अधिक होती है, उनकी इच्छाएं ज्यादा होती है कि उन्हें किस चीज की पूर्ति करनी है, तो उनकी महत्वाकांक्षाएं जो उनकी इच्छाएं होती है वो ज्यादा होती है, उनके अंदर सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षा यानी प्राप्त करने की इच्छा उनके अंदर सबसे ज्यादा होती है। इसके अंदर पुरुष लिंग में महत्वाकांक्षा की जो भावना होती है वो सबसे अधिक पाई जाती है। फिर है हमारा, इनमें सशक्त प्यार निहित होता है, सशक्त प्यार निहित होता है, यानी इनके अंदर ये भावना पाई जाती है, स्ट्रॉन्ग वाला कहते हैं कि इनमें सशक्त प्यार की इनके अंदर जो भावना होती है मजबूत करने की, जो मजबूत स्ट्रॉन्ग वाला कहते हैं कि हम अपने जहां स्त्री अपनी किसी ना किसी कमजोरी के कारण अगर दूर हट जाए किसी कार्य से, लेकिन पुरुष जो होते हैं उनमें मजबूती होती है, वो जिस चीज के बारे में सोचते हैं वो उस कार्य को करते हैं। इनमें सशक्त प्यार की जो भावना होती है वो निहित होती है। स्त्री के लिए कहा जाता है स्त्री क्या होती है, सरल स्वभाव की होती है, जो हमारा स्वभाव है यहाँ पर सशक्त उनके स्वभाव के आधार पर बताया गया है, कि उनका स्वभाव जो होता है दोनों में डिफरेंस हमने देखा है कि कई बार ऐसा होता है क्यों बच्चे अपने पिता से किसी चीज के कहने से डरते हैं लेकिन वो माता से अपनी जो बात होती है वो मनवा लेते हैं, क्योंकि कहा जाता है ना कि जो वो कोई सा भी डिसीजन हो वो उनमें सशक्त मजबूत रहते हैं। लेकिन स्त्री कहीं ना कहीं जो अपने स्वभाव के कारण, उनका जो स्वभाव जो सरल होता है उसके कारण वो कई बार जो सोचती है वो उससे दूर हटती है। तो यहाँ पर कहा जाता है कि इनके अंदर जो सशक्त होता है वो मजबूत होते हैं अपने इरादों पर, कि जो उन्हें करना होता है वो उस कार्य को करते हैं। फिर आता है हमारी भक्ति की भावना। अब यहाँ भक्ति ईश्वर से ना होकर यहाँ पर किसकी भक्ति है, अपने कार्य की भक्ति,
कार्य को पूरा करने की, चाहे वो किसी भी तरीके से, वो हर तरीके से अपने कार्य को एक भक्ति की तरह, एक पूजा की तरह समझकर उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। इसलिए इसमें कहते हैं कि इनके अंदर भक्ति की भावना निहित होती है पुरुष लिंग के अंदर। फिर आता है हमारा चिंतन एवं साहस। चिंतन एवं साहस जैसे गुण होते हैं पुरुष के अंदर, कहते हैं कि सोचने और समझने की क्षमता पुरुष में अधिक पाई जाती है। जितनी गहराई से पुरुष किसी चीज के बारे में सोचते हैं, उनके अंदर चिंतन करने की क्षमता अधिक होती है। साथ में क्या कहते हैं कि उनके अंदर साहस, जो पराक्रम होता है, ऐसे गुण उनके अंदर विकसित होते हैं। यही गुण उनके पुरुष होने की पहचान करवाते हैं। इसमें कहते हैं कि चिंतन का और चिंतनशील जो प्रवृत्ति होती है वो किसमें ज्यादा पाई जाती है, पुरुष में ज्यादा पाई जाती है। और साहस का गुण भी, जहाँ कहते हैं ना कि हम कि पुरुष कैसे होते हैं, अपने चाहे उनको शारीरिक तौर पर उनको बलिष्ठ माना गया है, बलवान माना गया है, उन्हें अपने विचारों से बलवान माना गया है, तो ये साहस के गुण के लिए कहा जाता है कि जो साहस का गुण है वो पुरुष के अंदर अधिक पाया जाता है। और उनके अंदर चिंतन क्षमता का भी उनके अंदर अधिक विकास होता है, ये भी इनकी एक विशेषता है। साथ में है रचनात्मकता की भावना। रचनात्मकता की भावना भी किसमें होती है, पुरुष में, क्योंकि वो जब कार्य करते हैं उसमें और कैसे निखार ला सकते हैं, ये भी पुरुष देखते हैं कि किस तरीके से उसमें और सुधार कर सकते हैं, किस तरीके से उस कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। यानी कि उनके अंदर जो रचनात्मकता का विकास है, जिस किस तरीके से उसमें क्रिएटिविटी ला सकते हैं, उस कार्य में निखार ला सकते हैं, इन गुणों का भी पुरुष के अंदर ज्यादा, यानी पुरुष की एक पहचान है पुरुष लिंग की, जो रचनात्मकता का विकास है क्षमता भावना का, वो पुरुष में अधिक पाई जाती है। साथ में ये स्वतंत्र होकर कार्य करना पसंद करते हैं, स्वतंत्र होकर कार्य करना पसंद करते हैं, यानी कि पुरुष के लिए कहा गया है कि पुरुष किसी के पराधीन होकर कार्य नहीं करना चाहते, वो स्वतंत्र होकर कार्य करना चाहते हैं। हम देखते हैं हमारे परिवार में, जहाँ स्त्री तो फिर भी पुरुष की मानती है, लेकिन जो एक गुण होता है उनके अंदर सोच होती है ये पुरुष की, वो स्वतंत्र रहना चाहते हैं। वो ये नहीं कि अगर हम कई बार ये देखते हैं कि कई कई परिवारों में ऐसा हो जाता है, जो टकराव हो जाता है वो इसी कारण हो जाता है कि पुरुष अपने आप में सर्वोपरि मानते हुए अपने जो सारे डिसीजन होते हैं वो खुद लेना चाहते हैं, ना कि वो किसी की उसमें राय। तो इसमें कहा जाता है कि ये स्वतंत्र होकर कार्य करना पसंद करते हैं, वो पराधीन होकर कार्य करना पसंद नहीं करते, ये भी इनकी विशेषताओं में से है। फिर है इसमें अनुशासन को महत्व देते हैं, अनुशासन को महत्वता प्रदान करना। यानी हम देखते हैं परिवार में जब माता से बच्चे इतने घुल मिल जाते हैं, लेकिन पिता के डर के कारण परिवार में वो अनुशासन में रहते हैं। तो जो एक जो अभी मैंने ऊपर लाइन बोली थी कि हमारी जो स्त्री और पुरुष की पहचान, उनके रहन सहन, उनका जो कार्यशैली है, उनके व्यवहार, इसी से हम उनकी पहचान करते हैं। तो यहाँ जो अनुशासन में रहना होता है, ये अनुशासन में रहना पुरुष की क्या होती है, पहचान होती है कि वो प्रत्येक कार्य, बच्चों को भी अनुशासन में रहना, परिवार वालों का अनुशासन में रहना, स्वयं अनुशासन में रहना और अनुशासन में रहकर ही कार्य करना, इसीलिए ये अनुशासन को ज्यादा महत्वता प्रदान करते हैं। इसमें यानी हमने देखा कि अनुशासन में रहना पुरुष को
ज्यादा पसंद होता है। फिर है इसमें इनके व्यक्तित्व के जो गुण है, गुण के आधार है वो है इनके नेतृत्व करने की क्षमता कैसी होती है, इनकी अग्रिम होती है। नेतृत्व करने की क्षमता अग्रिम होती है, यानी कि उनके अंदर जो अभी मैंने फर्स्ट भी बताया था कि इनमें अमूर्त सोच का विकास किस नेतृत्व के कारण होता है, इसमें भी नेतृत्व की जाती है। वो उस चीज की लीडरशिप करते हैं कि किस तरीके से कार्य किया गया है, ये इनके गुणों का एक आधार होता है। नेतृत्व करने की जो क्षमता होती है वो पुरुष में इतनी अधिक है कि वो कहते हैं ना कि हमें एक पार्थ की नजर होती है जिससे वो उस चीज को पहचानते हैं। तो इनके अंदर नेतृत्व करने की जो क्षमता है वो बहुत अधिक पाई जाती है। वो इस भावना की एक सकारात्मक सोच होती है इनकी। नेतृत्व जब करेंगे, ये जो उनकी भावना है ये इनकी एक सकारात्मक सोच की क्षमता का उदाहरण है कि किस तरीके से वो नेतृत्व कर सकते हैं। हर चीज की पहचान, जो लीडरशिप का कार्य होता है वो किस अच्छे ढंग से जो निभा सकते हैं वो हमारी है। पुरुष के अंदर इस चीज का सबसे अत्यधिक महत्व होता है, उनके अंदर ये गुण सर्वोपरि माने जाते हैं नेतृत्व करने की क्षमता का। फिर है इसमें कि उनकी जो प्रगतिशील एवं दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, दृढ़ इच्छा शक्ति प्रगतिशील व दृढ़ इच्छा शक्ति, यानी कि जो वो जिस कार्य को करने की सोचते हैं उसके अंदर वो दृढ़ होते हैं, उन्हें उस कार्य को किसी भी तरीके से पूरा करने की उनके अंदर इच्छा होती है कि उन्हें किसी भी तरह से दृढ़ इच्छा मजबूत कि उसको किसी भी तरीके से पूरा करना। साथ में प्रगतिशील आगे बढ़ने के लिए उनके अंदर आगे बढ़ने के लिए और साथ में अपने कार्य के प्रति एक दृढ़ शक्ति उनके अंदर निवास करती है, किस तरीके से वो अपने कार्य को पूरा कर सकते हैं ये भी इनके अंदर निहित होती है कि किस तरीके से कार्य को पूरा करने की लगन पुरुष में पाई जाती है। उनको सबसे ज्यादा प्रिय जो होता है वो उनका कार्य होता है, कार्य को पूरा करके और उन्हें साथ में प्रगतिशील यानी कि किस तरीके से उनको दिन प्रतिदिन आगे बढ़ना है ये भी उनके अंदर होता है कि उन्हें आगे बढ़ने की ललक होती है, कार्य करने की दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, ये भी पुरुष लिंग की एक विशेषता होती है। साथ में इनके अंदर आध्यात्मिक संबंधी विशेषताएं भी होती हैं। आध्यात्मिक शक्ति की विशेषताएं भी होती हैं। ये सारी आज की हमारी पुरुष लिंग की विशेषताएं थी कि पुरुष लिंग में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं, ये मैंने आपको बताई। सर्वथा पुरुष में अमूर्त सोच की क्षमता का विकास होता है, क्षमता होती है। सेकंड था कार्य के प्रति अधिकांश क्या रहते हैं, ये सक्रिय रहते हैं। पुरुष में महत्वाकांक्षाओं की भावनाएं अधिक होती है, सशक्त प्यार की भावना इनके अंदर निहित होती है, भक्ति की भावना निहित होती है, जहाँ ये कार्य के प्रति भक्ति मीन्स अपने कार्य को अपनी पूजा मानते हैं, वो उसके प्रति अपनी भक्ति दिखाते हैं। फिर है चिंता एवं साहस जैसे गुण भी इनके अंदर पाए जाते हैं। रचनात्मकता की भावना का अधिक विकास होता है, स्वतंत्र होकर कार्य करना पसंद करते हैं, किसी के पराधीन होकर ये कार्य करना पसंद नहीं करते। अनुशासन को महत्वता प्रदान करते हैं, यानी कि इन्हें अनुशासन ज्यादा प्रिय होता है। ये अनुशासन में रखना, अनुशासन में रहना और अनुशासन की पालना करना इनके अंदर एक गुण होता है। फिर है नेतृत्व करने की क्षमता इनके अंदर अग्रिम होती है कि किस तरीके से हम कार्य के प्रति नेतृत्वता कर सकते हैं, ये भी एक कि लीडरशिप की कार्य सही है या नहीं। फिर है प्रगतिशील एवं दृढ़ इच्छा शक्ति। लास्ट था इसका आध्यात्मिक शक्ति की विशेषता। ये हमारी आज की पुरुष लिंग की विशेषता।
विशेषताएं थी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो स्त्रीलिंग की विशेषता है उनके बारे में अध्ययन कराऊंगी। धन्यवाद।